सुल्तान को दुश्मन की भूमि में धकेल कर खुद कहाँ भागता है, रुक मैं अभी तुझे जहन्नम रसीद करता हूँ। उसको भी देख लेंगे। देखो कमांडर, यह तो तुम भी जानते हो कि हम उसको सीधे सीधे नहीं हरा सकते। चलो फिर उसकी फौज में कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो हमारा साथ दे सकता हो, उसकी हर डिमांड पूरी करो, उसको औरों के ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाओ। सर ये काम तो हम टीपू को ये पैगाम पहुंचा दो कि या तो अपनी हुकूमत हमारे हवाले करके अपनी जान बचा ले, तो जंग के लिए तैयार हो जाए। ओके सर। आज हमारे लिए मुबारक दिन है, आज हम या तो पर्दापोश कर लो देंगे या शहीद हो जाएंगे। तैयार हो जाओ, हमें जंग के लिए निकलना है। हमला। ए सुल्तान, आप हथियार डाल दीजिए, शायद ये आपके वकार का लिहाज करते हुए आपकी जान बख्श दे। कान खोल कर सुन लो, शहर की एक दिन की जिंदगी कीड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हम लोग शहर की तरह जिए और शहर की तरह जंग हुए शहीद हो जाएंगे, लेकिन शहीद जाएंगे। सुल्तान को दुश्मन की भूमि में धकेल कर खुद कहाँ भागता है, रुक मैं अभी तुझे जहन्नम रसीद करता हूँ। सर सुल्तान टीपू मारे गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा वफादार आदमी वीर साजिद भी सुल्तान टीपू के एक वफादार सिपाही के हाथ मारा गया है। अच्छा हुआ वरना कुत्ता भौंकता, उसको टुकड़े डालना पड़ता। कम से कम अब उस कुत्ते को टुकड़े तो नहीं डालना पड़ेगा। खैर हमारा काम तो हो ही गया, खुदा उस पर रहम करे। सर आइए मैं आपको सुल्तान टीपू की लाश पर लेकर चलता हूँ। सर यह है सुल्तान टीपू की लाश। तमाम लोग ध्यान से सुने, आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब कोई रुकावट नहीं बची, अब यहाँ हमारी हुकूमत होगी। कमांडर तमाम अफसरों की पूरी मीटिंग बुलाई जाए। ओके सर। कमांडर हो, अब इस मुल्क के तमाम लोग हमारे गुलाम हैं। जो कोई भी हमारी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाए उसे गोली मार दो, जो हाथ लगे उसे गुलाम बना लो, टैक्स दोगुना कर दो, और जो टैक्स अदा ना करे उसको सबके सामने मारो। उनके बच्चों को अपना गुलाम बनाने के लिए स्कूलों का निशाब बदल डालो, तालीम फ्री कर दो ताकि उनके बच्चे हमारे ही स्कूलों में आए और हमारे ही रंग में रंग जाए। जनाब आपने हम किसानों का टैक्स दोगुना कर दिया। तो तुम्हें भूख लगी है, खाना चाहिए, लो खाओ खाओ। नहीं जनाब, नेक्स्ट
नहीं जनाब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप एक चल सकते, आपने मेरा सामान गिरा दिया। ऊंची आवाज में बात करते हो, सामान गिराने की हिम्मत मत करना। भाइयों, हमें अपना मुल्क किस तरह आजाद कराना है? हाँ भाई, पापड़ देख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? सर, ये बेवकूफ लोग आजादी पाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद हो और कहो अंग्रेज हुकूमत जिंदाबाद। हरगिज नहीं, हर बता सकते हैं लेकिन पर झुका सकते नहीं। जो मैं तुमको मुकम्मल आजाद कर देता है। मोहतरम सामईन, बस ये कि अब अंग्रेजी और किस किस जगह बयान से वतन से मिटाओगे, हर हर वर्ग पे मोहर वफा कर चुके हैं हम। 20वीं सदी के आगाज से हिंदू मुस्लिम और तमाम बिरादरान वतन मुत्तहिद हुए और सभी ने इंफरादी और इज्तिमाई मुख्तलिफ तहरीकें चलाकर मुल्क को आजाद कराने की कोशिशें की। तहरीक खिलाफत, तहरीक रेशमाल, तहरीक तर्क मुआलात, सत्याग्रह और नाम के ऑपरेशन वगैरह तहरीकें इसी कोशिश का नतीजा थी। कुर्बानियों के इसी सिलसिले का एक निखराश नमूना सन 1919 में जलियांवाला बाग की शक्ल में रौनक हुआ, जिसमें तकरीबन 1500 लोग बेहद शहादत से सुरखुरू हुए। उसकी निखराश